यूक्रेन दे दूजे सब तो वड्डे शहर की खास इमारत सिटी काउंसिल बिल्डिंग नू पलक झपकते ही बंब धमाके ने दहला दिता। हुण असी एक एक करके इस इमारत दे हशर की तस्वीर तुहानू विखावांगे। खारकीव दे सेंट्रल स्क्वायर ते मौजूद इस बिल्डिंग नू रूसी सेना ने मिजाइल दी दाग ते अपना निशाना बनाया। धमाके दे तुरंत बाद उठे धुएं दे गुबार ने साफ कर दिता कि रूसी सेना किसी भी कीमत ते यूक्रेन नू बख्शना नहीं चाहती। इसलिए खारकीव दे चप्पे चप्पे नू निशाना बना रही है। एक बार फिर तो वेखो किवें कुछ ही सकिंटा विच खारकीव दी सिटी काउंसल बिल्डिंग नू रूस ने दूर तो ही अपने गुस्से दा शिकार बनाया। इमारत विच होया धमाका इन्ना तेज सी कि आस पास खड़ी गड्डियां भी चकनाचूर हो गई। ये देखो इस कार विच बैठे लोग कोई समझ पाते इस तो पहले ही धमाके ने उन्होंने अपनी चपेट विच ले लिया। इन्हों भरोसा ही नहीं हो रहा कि इस बंब धमाके की जान बच गई है, पर धमाके तो बाद इमारत के आस पास मलबे के ढेर साफ दस रहे हैं कि रूसी मिसाइलों का यह हमला कितना दमदार सी। खारकीव ना तो मरण वाले का आंकड़ा ठीक नाल पता चल सकिया ते ना ही जख्मियों की गिनती गिनी जा सकती है। इसे तरह खारकीव के रिहायशी इलाके इस इमारत के कोल बंबा की बरसात हुई। इतने एक नहीं छे छे मिसाइल रूस की फौज ने डिगाइया ने। Дорогие харьковчане, мы с вами переживаем очень тяжелые дни. Сегодняшний день начался с бомбежки Харьковской областной государственной администрации. बच्चों के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री च उठता धुआं साफ दस रहा है कि इतने का धमाके की अग से उसका धुआं कुछ भी खत्म हो सकता है। खारकीव हो रहे इन हमलों तो साफ है कि रूस लगातार इस कोशिश में जुटिया होया है कि यूक्रेन हर हाल में उसके अगे घुटने टेक दे। इसलिए खारकीव की सरकारी इमारत हो या रिहायशी इमारत, रूस लगातार इन्हों निशाना बना के यूक्रेन के फौजी ठिकाने नहीं बल्कि हौसलों तबाह करना चाहता है। पर यूक्रेन के जाबाज हर कीमत से रूस की फौज को करारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए मौका मिलते ही रूस के टैंकों तबाह करने पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सोशल मीडिया से लगातार अजिहियां तस्वीर वेखन नू मिल रही ने जिस तो साफ हो रहा है कि हुण इह जंग आर पार की जंग है, यानी अपने अंजाम वाल वध रही है। खारकीव 14 लाख की आबादी वाला शहर है। खारकीव के दक्षिण विच महज 20 किलोमीटर की दूरी से रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।